दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल 360 ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले संयुक्त अतिथि संघ द्वारा एक खबर आई थी कि हमारे जो संयुक्त अतिथि संघ हो उसको हमारे अतिथि भाइयों के आंकड़े चाहिए। दोस्तों इस बात की सत्यता मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मतलब सही है नहीं, आंकड़े मांगे जा रहे हैं नहीं, पर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है इसलिए मैंने बनाना पसंद करा। अगर दोस्तों उससे पहले आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। संयुक्त अतिथि संघ मध्य प्रदेश गत दिवस शासन द्वारा अधिकारी से जो 10 मार्च को दोस्तों वार्तालाप हुई थी उसके अनुसार संगठन को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक व पूर्व समय में सेवारत अतिथि शिक्षकों का वास्तविक आंकड़े की आवश्यकता संगठन को है। अतः इस विषय की गंभीरता से समझा जाए। समस्त जिला अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष अपने जिले के समस्त अतिथि शिक्षकों की जानकारी शैक्षणिक योग्यता सहित वर्गवार 1, 2, 3 उक्त फॉर्मेट में जिलावार संग्रहित कर संगठन को प्रेक्षित करें। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं कहा, आप अगर आप वर्ग एक में थे, वर्ग एक का बनना है, वर्ग दो में थे, तीन में थे, उसको जो फॉर्मेट है दोस्तों उसको मैंने लिंक में दे दिया है, उसको आप देख लीजिए, उसको जिलावार संग्रहित कर संगठन को देना है। क्योंकि शासन रिक्त पदों की संख्या 42,000 मान रही है जबकि अतिथि शिक्षक लगभग 65,000 से अधिक पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं। अतः अतिथि शिक्षकों की पूर्ण जानकारी वर्गवार सेवा अवधि मतलब आपने किस समय से किस समय तक कार्य किया सेवा अपनी अतिथि शिक्षक के रूप में दी है, 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक की जानकारी जिलावार संग्रहित करना है, मतलब उसमें भरना है। सरकार समस्त अतिथि शिक्षकों को अवधि काल अनुभव आधार पर लाभांश देने की नीति पर विचार करे। दोस्तों जिसकी जो अवधि है मतलब उसके हिसाब सरकार लाभ देने का नीति पर काम कर रही है। संगठन पूर्व समय में शासन द्वारा की गई घोषणाओं, बोनस अंक, आयों में छूट व अनुभव प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को लागू करने का प्रयत्न कर रहा है। इस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा कर्मियों को सरकार ने लाभ प्रदान किया था। अतः विषय की गंभीरता को समझा जाए। समस्त जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष उक्त लिस्ट जल्दी तैयार करें, अपने अपने जिले है कार अतिथि शिक्षा हित में अनिवार्य है। दोस्तों हमारे जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को यह लिस्ट जल्द से जल्द तैयार करना है। इसका सकारात्मक सोच रखते हुए उक्त सूचना से समस्त अतिथि शिक्षक जिला अध्यक्ष अवगत होकर जिलावार लिस्ट बनवाकर संगठन को जल्दी उपलब्ध कराएं। दोस्तों यह सूचना प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा द्वारा आप सभी तक आई है। जय अतिथि अधिक जानकारी के लिए जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। आपका साथी प्रदेश मीडिया प्रभारी द्वारा दोस्तों एक खबर आई है। दोस्तों और भी आप कोई भी दिक्कत आ रही है इस चीज़ से जाने के लिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो जितना ज़रूरी आपको सही सटीक जानकारी मैं दे पाऊंगा। दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।